हेलो गाइस, लास्ट ईयर कैट का पेपर में ऐसे बैठा था, आराम से ऐसे करके मैंने क्वेश्चन पढ़े, ऐसे ऐसे करके वर्बल का पेपर सॉल्व किया, क्लिक 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 आराम से पढ़ते 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 आई गॉट 92% 12 आई एम कॉल्स एज वेल। तो गाय फ्रॉम पंजाब जिसका अंग्रेजी कभी नहीं आई मुझे, जो आज भी अमेरिका को अमरीका बोलता है, कनेडा बोलता है, उसके लिए वर्बल की मैंने कट ऑफ क्लियर की यूनिक जी स्ट्रैटेजी। कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है, कोई मॉक्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज करना है। सो द थ्री पार्ट्स टू माय जी स्ट्रेटजी, पार्ट नंबर वन इज रीडिंग, रीड एज मच इज कैन, नो स्पीड रीडिंग प्लीज, बंद कर दो बकवास चीजें, स्पीड रीडिंग कोई काम नहीं आने वाला है। नॉवल में स्पीड रीडिंग काम आती है, नॉवल को यार तुम चार चार पेज छोड़ के पढ़ो, तुम पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। लड़का लड़की पास आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, मैं कॉलेज टाइम पे जो नॉवल पढ़ता था चार पे होते थे, यार लड़का पास आओ यार, खत्म करो जो करना, हम बैठे वेट कर रहे हैं इंजीनियर यार यहाँ पे। तो जोक्स अपार्ट, स्पीड रीडिंग नॉवल में चलता है, लेकिन कैट में आके नहीं रहता। यू हैव टू रीड एवरी लाइन, यू टू अंडरस्टैंड एवरी लाइन, तो रीड एज मच एज यू कैन। बंद कर दो सारे मॉक्स देना, मॉक तो वैसे बंद कर दो, सब बेकार है। सो नंबर वन थिंग यू हैव टू डू इज रीड एज मच यू कैन, डोंट गिव एनी मॉक्स। लास्ट का एक महीना भी हमने मॉक दिया तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू, कोई स्पीड रीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से पढ़ो, रीड एडिटोरियल्स, रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, स्टार्ट विद हार्ड कॉपी, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपके घर पे पेपर आता है उसका फ्रंट पेज, सीधा एडिटोरियल पे जम माने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। सो आई एम गोइंग टू रीड द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी, ठीक है, आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 15 डेज 20 डेज विल मूव टू द एडिटोरियल। Editorial page is boring. I used to take 1 hour for me to read the complete editorial page of the newspaper every day. But karte 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 gradually it took me 25 minutes to read the full newspaper ka editorial page. Fine. आप ये कर सकते हो। Number one, Eon KRCs online जाके आप post पढ़ सकते हो। Because ये सारे editorials जो foreign के हैं वो exam में आते हैं। Indian हमें पढ़ना है टू गेन माई एक्सपर्टाइज, बट मेनली तो एन के आर सीज, फेंड गार्जियन, ऑल दिस फॉरन, न्यूयॉर्क पोस्ट, फॉरन वाले एग्जाम में कैट में वही आते हैं, ठीक है, तो हमें वो सारे एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। सो दैट इज नंबर वन एक्टिविटी, 1 month, 2 month, वट एवर टाइम वी हैव रिमेनिंग फॉर द एग्जाम, आप ये करना शुरू कर दो और कुछ मत करो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटजी, टोटल देर 3 स्ट्रैटजीज लाइक दिस। सो फर्स्ट स्ट्रैटजी आई एम रिकमेंडिंग यू is read as much you can, because if I look at the CAT ka paper, you have to read a lot. Look at this CAT ka RC last year. So there are around 500 words in the CAT RC average. 65 words per question, jod de 750 words have to read per RC. Theek hai. To har question ke liye go again have to go back and read RC. So read almost 3000 words. 3000 words have to read. Summary based question mein 200 words hota hai. Odd man out में 200 words, jumbled वाले में 150 words, 170 words, and new type को अगर आता है तो another 200 words. हर एक average दो-दो question लिया जाए, so I have to read around 4500 words in the CAT paper in 40 minutes. So of course my reading speed have to be good. ठीक है, so number one thing I can do, I have to do is read as much as you can, because CAT वाले दिन भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. नंबर टू इज द एक्चुअल पेपर्स, अगर आपको कोचिंग कुछ ज्वाइन नहीं करना है, iamking.com पे जाओ, आई हैव गिवन द एक्चुअल पेपर, द फर्स्ट लिंक ऑन द टॉप इज एक्चुअल पेपर्स। सो इफ आई कैन जस्ट गो थ्रू द वर्बल के सारे यहाँ पे कैट 2023 टॉपिक वाइज, ओके, और नीचे आओगे तो जी स्टडी अकॉर्डिंगली सारा यहाँ पे दिया हुआ है पेपर्स, अब बस ये करना शुरू कर दो। सिर्फ रीडिंग करोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। मैंने सिर्फ रीडिंग किया था, कोई जी स्ट्रेटजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग किया, रीडिंग कर करके एक्सपेरिमेंट एवरी ईयर। एक बार मैंने कैट में ये भी दिया था कि आई डिडंट डू एनी आरसी, आई थॉट कि आई कैन सर्वाइव द कट ऑफ ओनली वाई डूइंग द नॉन आरसी क्वेश्चंस, वो नहीं कर सकते आप, बिकॉज उतना मेरा परसेंटाइल नहीं आएगा, 76% इन वर्बल दैट ईयर, ठीक है, आरसी करना ही पड़ेगा, विदाउट आरसी वी कांट सर्वाइव, ठीक है। सो आई गिव कैट का एग्जाम एवरी ईयर, लास्ट ईयर बस नहीं दिया था, लास्ट ईयर तो मैंने दिया था, इस बार मैं फिर दूंगा। सो आई जस्ट एक्सपेरिमेंट, तो ये कर सकते हैं। सो माय ओनली टारगेट इज जी स्ट्रेटजी, कि गरीब बच्चा कैसे सर्वाइव करे। सो इफ यू कैन जस्ट रीड रीड रीड, डू द लास्ट ईयर पेपर्स, लास्ट ईयर पेपर कम है गया तुम्हारे पास, 2017 से 2017 से लेके 2023 तक का, वी हैव 7 ईयर्स का पेपर, हर साल आप दो दो तीन तीन पेपर भी रिज्यूम करके चलो, वी हैव 15 से 20 पेपर विद अस, उसका ही आरसी कर ले भाई, बहुत हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो दिस इज
रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू डू, बंद कर दो ये स्पीड रीडिंग, बंद कर दो ये आपके रोज 5-5 RC करना, कोई फायदा नहीं उसका करने का। आई डिडंट गिव एनी RC, आई डिडंट स्टडी एनीथिंग, आई जस्ट रेड आराम से। तो मैंने कैट में क्या किया, मैंने वहां जाकर आराम से बैठा, आराम से RC पढ़ा, RC को समझा, 10 मिनट डालो 12 मिनट डालो, फिर जब क्वेश्चन पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर मार्क किए, कट ऑफ क्लियर 92% आई, जय माता दी। ठीक है, देयर आर 3 स्ट्रेटजीज, आई विल डिस्कस अदर 2 स्ट्रेटजी सम अदर डे, बट प्लीज ये करना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट।